एक्टर शेनॉज गिल ने अपना एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि उन्होंने अपना ड्रीम होम मुंबई में खरीद लिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मुंबई में आते हैं एक सपना लेके कि मुझे यहाँ पे काम करना है, घर लेना है, हर किसी का एक ड्रीम बन जाता है कि बम्बई या मैं खुद का घर हूँ। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूँ, शेनॉज ने भी ये ड्रीम लेके आई थी और आज आप सबके फेवरेट शेनॉज ने अपना ड्रीम कंप्लीट भी कर लिया है। लेकिन खास बात ये नहीं है कि उन्होंने ड्रीम कंप्लीट किया, खास बात ये है कि इतने कम टाइम में उन्होंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। मतलब कल ही की बात लग रही है कि बिग बॉस 13 में आई थी, कल ही की बात लग रही है कि वो चुलबुली सी शेनॉज जो खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बुलाती थी, आज वो इंडिया की मोस्ट फेवरेट आप कह सकते हो शेनॉज गिल बन चुकी है, खुद के नाम का एक ब्रांड बना चुकी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ट्वीट करके किस बात की जानकारी दी और किसे ये सब चीज़ों का क्रेडिट दिया है, आई नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि शेनॉज गिल ने अपने इस अचीवमेंट पे किन सब लोगों को क्रेडिट दिया है और किसे थैंक यू कहा है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि शेनॉज कौर गिल ने रिसेंटली अपना एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जो कि उनका खुद का घर है, जो कि उनका एक ड्रीम था कि मुंबई में मेरा खुद का एक घर हो, वो ड्रीम उन्होंने पूरा कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए अपने उस सारे फैंस लोगों के जिनके मेल्स आए हैं या मैसेजेस आए हैं या गिफ्ट्स आए हैं, सब चीज़ों को उन्होंने शेयर करके इस बात की जानकारी भी दी है, ये बात भी हमें सभी को पता है। लेकिन खास बात यह है कि आज उन्होंने ट्वीट करके सभी को थैंक यू दिया है और सबको ये कहा है कि ड्रीम्स ज़रूर देखने चाहिए, और साथ ही ये बताया है कि ये सब के पीछे मेरे फैंस लोगों का हाथ है, मैं अगर कुछ भी अचीव कर रही हूँ मेरे फैंस है, उनका प्यार है जो मुझे कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ चैलेंजिंग करने पर मजबूर करता है, और उसी के वजह से मैं वो माइलस्टोन अचीव कर पाती हूँ। अगर मेरे फैंस मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो आज मैंने जो अचीव किया वो सारा चीज़ का क्रेडिट मैं अपने फैंस को देना चाहती हूँ, और हैशटैग माय फैंस करके भी उन्होंने ये स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। इसी के बीच मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने शेनॉज गिल के ट्वीट पर कॉमेंट करके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया है, उन्हें और माइलस्टोन अचीव करने के लिए प्रे भी किया है और उन्हें विशेष के साथ कॉमेंट सेक्शन उनके भर दिया है। साथ ही जब ये बात सामने आए, इनके फैंस काफ़ी इस बात से खुश हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एक चीज़ पाने के बाद वो उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके बदौलत उन्हें वो सब चीज़ें मिली हैं। बट शेनॉज गिल का डे वन से ये चीज़ देखी जा रही है कि किस वे से शेनॉज ने हमेशा अपने फैंस को क्रेडिट दिया है। कभी भी अगर उनके फैंस बीच में आए, वो अपने गार्ड से भी भिड़ जाती हैं, लेकिन अपने फैंस को फोटो देने में या ऑटोग्राफ देने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर वो चाहे कितने भी बिजी शेड्यूल में क्यों ना हो, कितने ही बिजी उनका शेड्यूल क्यों ना पैक हो, कहीं प्रमोशन में, कहीं शूट पे, लेकिन वो हमेशा अपने फैंस को एड्रेस करती है और बहुत ही प्यारे अंदाज से एड्रेस करती है। अगर किसी को सुनाना भी रहेगा ना, तो भी वो इतने प्यारे अंदाज से सुनाती हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। वैसे शेनॉज गिल के इस अचीवमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।